को राइट्स मिलने चाहिए वो है 6 राइट्स। द 6 राइट्स आर द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसमें मैंने फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था राइट टू इक्वालिटी, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ हमने वो कर लिया था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ से रीड करेंगे। चलो कौन रीड करेगा, हु विल रीड इट? राइट टू इक्वालिटी में हमने फर्स्ट पैराग्राफ खत्म किया था लास्ट लेक्चर में, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ से करेंगे। बॉयज कौन रीड करेगा? बॉयज आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दो। मैम यस यू कैन रीड इट। इन ईच एंड एवरी क्रिसमस क्रिसमस खत्म हो गया, क्रिसमस कहाँ से याद आया तुझे? एवरी सरकमटेंस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वल, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और स्पेसिफिक फेवरेटिज्म shown to any particle person or class, every law should be equal destined, every person shall have equal admittance to public place like shops, restaurants, hotels, public entertainment places, to make any special arrangement for women and children. आप एक लाइन खा गए बेटा, एंटरटेनमेंट प्लेस हैव इक्वल एक्सेस टू रोड्स, हैव इक्वल एक्सेस टू रोड एंड लेक्स एंड यूज ऑफ पब्लिक वेल्स एंड बाथिंग। ओके 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 स्टॉप हियर, इतना मैं समझा लूँ फिर आप आगे बढ़ना, ठीक है? इन ईच एंड एवरी सर्कमटेंसेस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली। अब ये सब बोल रहे हैं राइट टू इक्वलिटी का मतलब ही ये है कि हर एक कास्ट क्लास वाइज कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेट, मतलब अलग अलग नहीं की जाएगी। हमारे देश का हर एक नागरिक जो है उसके लिए राइट्स जो बने हैं ऊपर जो राइट्स मेंशन किए हैं वो सबके लिए इक्वल हैं, किसी में भी भेदभाव नहीं करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ऐसे बोला है इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सिचुएशन होगी लॉ तो सबके लिए, कायदा जो है कानून जो है राइट्स जो है वो सारे सबके लिए एक ही बने हुए हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और स्पेसिफिक फेवरेटिज्म शोन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास। ऐसा नहीं होगा कि कुछ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या भेदभाव ऊपर नीचे, मतलब लॉ में ऐसा कोई बंदा है जैसे कि अगर कोई पॉलिटिक्स का बंदा है उसके लिए अगर हम लोग कुछ लॉ में चेंज कर लें जो लॉ में लिखा है कि भाई नहीं इसको ये चीज की, फॉर एग्जांपल उसने कुछ गुनाह किया और उसको सजा मिलनी चाहिए 3 महीनों की, तो अगर वो पॉलिटिक्स है तो हम उसको 10 दिन की सजा दें? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ आर सेम फॉर एवरीवन, उसमें कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी चीज अलग नहीं डालनी है। कोई भी अगर फेवरेट पर्सन हो या फिर लोगों का, मतलब कोई अच्छा ऐसा इंसान हो जिसको, जो बड़ा नेता हो, तो उसके लिए भी कोई क्लास नहीं है जिसके लिए कुछ लॉज या कुछ राइट्स अलग हैं। हर एक क्लास के लिए लॉज और राइट्स इक्वल है। एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिस्क्रिमिनेटेड, एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एडमिटेंस टू पब्लिक प्लेस लाइक शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस, हैव इक्वल एक्सेस टू रोड्स एंड लेक्स एंड द यूज ऑफ पब्लिक वेल्स एंड बाथिंग गेट्स। अब जो पब्लिक के लिए प्लेसेस हैं, पब्लिक के लिए चीजें हैं, गवर्नमेंट ने जो पब्लिक की सर्विस के लिए बनाई है, उसको जो सर्विस प्रोवाइड की है, तो जैसे कि पब्लिक प्लेस लाइक शॉप्स, दुकानें हैं, होटल्स हैं, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स हैं, पब्लिक गार्डन्स हैं और रोड्स हैं, लेक्स हैं, वेल्स कुएं हैं, बाथिंग गेट्स हैं, मतलब ये सारी जो चीजें हैं ना,
कुछ भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट की चीजें बनाई हुई हैं, अब अगर हम यहाँ पे कोई भी पिल गार्डन ये वगैरह जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ लोगों को आने देते हैं कुछ लोगों को नहीं आने देते। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, राइट। वहाँ पे सबको अलाउड करते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी में एक ऐसा ही है कि अगर जो भी चीजें प्रोवाइडेड है पब्लिक के लिए उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी या टू यूज दैट सर्विसेज, मतलब ये सारी चीजें हर एक बंदे को यूज करने की पूरी पूरी इजाजत है और उसका हक है। ठीक है, चलो रीड इट। हाउएवर However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any social or educationally backward class or scheduled castes or scheduled tribes. No citizen shall be discriminated on the basis of race, caste, religion, creed, descent, or place of birth in respect of any government service and higher education under the state. In matters of state public service, equal opportunity have to be offered to all the citizens. However, the state is given permission to make decision regarding required qualification for said service. Okay. Chalo. However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any socially or educationally backward class or scheduled class. अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अभी अभी हमने बात की कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में ऐसा हो रहा है कि हर एक क्लास को, मतलब ऐसा नहीं है कोई भी कास्ट है तो उसको अलग किया जाए, सबके लिए सेम ही राइट्स है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा हक है कि वो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है वुमेन्स के लिए और बच्चों के लिए। ठीक है, वुमेन्स और बच्चों को कुछ ज्यादा राइट्स, ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है उनके डेवलपमेंट के लिए। या तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स प्रिपेयर कर सकती है जिसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ सकती हैं, मतलब गर्ल्स ही सिर्फ एजुकेशन ले सकती हैं, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए राइट्स क्यों कायदे में लॉ बनाए गए हैं, ऐसे राइट्स बनाए गए हैं वो भी ज्यादा, वो इसीलिए क्योंकि गर्ल्स और बच्चों के लिए पहले के जमाने के हिसाब से बात हो रही है यहाँ पे, तब उनको पढ़ाया नहीं जाता था, वुमेन्स को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ उनके लिए ज्यादा कायदे बनाए, ज्यादा उनको राइट्स, उनके हक दिए, उनके लिए कुछ ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की। तो यहाँ पैसे दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, या फिर वो किसी बैकवर्ड क्लास, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, बैकवर्ड क्लास मतलब ST SC OBC, उनके लिए, शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए भी कुछ अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का राइट है कि वो ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए उनकी मदद करे। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस एंड हायर एजुकेशन अंडर द स्टेट। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक जो नागरिक है वो गवर्नमेंट के लिए तो सेम ही है, इसीलिए गवर्नमेंट कोई नागरिक को उसके कास्ट, उसकी रिलीजन, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ, उसकी पर्सनैलिटी या उसके स्टेटस के हिसाब से उसको नहीं पहचानेगी। ऐसे नहीं बोलेगी नहीं भाई नहीं, तेरा स्टेटस तो इतना बड़ा है और तू तो एक पॉलिटिशियन का, नेता का बेटा है, तो तू अब हमारे सर्विस और हायर एजुकेशन ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने जो जो प्रोवाइड किया है पब्लिक के लिए वो हर एक के लिए इक्वली प्रोवाइड किया है। एनी वन कैन यूज इट, एनी वन कैन इन्वॉल्व एंड ज्वाइन दैट सर्विसेस। चलो, इन मैटर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज इक्वल अपॉर्चुनिटी हैव टू बी ऑफर्ड टू ऑल द सिटीजंस। अब स्टेट पब्लिक सर्विस जो है
वो हर एक सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब मौका देती है कि भाई नहीं अपने आप को डेवलप करो और आगे बढ़ो, मतलब ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है, उनको एक चांस देती है। जैसे गवर्नमेंट में यूपीएससी, बैंकिंग सब सेक्टर, ये सारी एग्जाम्स आती है ना, वैसे वन टाइप ऑफ आपको मौका देती है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। हाउ एवर द स्टेट इज गिवन परमिशन टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर सेड सर्विस। स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐसी भी परमिशन दे रखी है कि आपको, कि आप डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग समथिंग सेड क्वालिफिकेशन। अगर आपको ऐसा है कि आपको कोई क्वालिफाइड डिग्री चाहिए तो आप उसमें डिसीजन ले सकते हो कि आपको आगे क्या करना है, और गवर्नमेंट आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगी। मैं एग्जांपल देती हूँ, गवर्नमेंट पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, बहुत बच्चों स्पॉन्सर करती है कि नहीं हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आप पढ़ो, सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती है, फॉर्म्स वगैरह वो आपको भरने होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। चलो रीड इट। एज अ गवर्नमेंट टू सोशल जस्टिस एंड पर्सनल डिजिटी डिग्निटी अनटचेबिलिटी इज एब्लॉश्ड एंड इट्स पार्टी प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोवाइड पनिशेबल ऑफेंस। ओके ओके, इट्स अ गारंटी टू सोशल जस्टिस एंड पर्सनल डिग्निटी, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड इन पनिशेबल ऑफेंस। क्या बोल रहे हैं कि सोशल जस्टिस मतलब लोगों के लिए जो भी चीज़ें की गई हैं, गवर्नमेंट जो भी हर एक सिटीजन्स को, हर एक नागरिक को जो राइट दे रही है, जो सोशल सर्विस कर रही है, अगर वो उसने, अगर किसी भी सिटीजन ने, किसी भी नागरिक ने उसका गलत फायदा उठाया, ठीक है, और ऐसा कुछ प्रैक्टिस मतलब ऐसी कुछ चीजें की जो अगेंस्ट लॉ है, तो वो उसके लिए वो सारी चीजें मतलब जो जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सर्विस, जो जो राइट है उसके, वो राइट पनिशेबल ऑफेंस हो सकते हैं, मतलब उसको गवर्नमेंट पनिश भी कर सकती है, और उसके लिए वो कायदे और लॉस, राइट्स जो बनाए हुए हैं हर एक सिटीजन के लिए, वो सारी चीजें यूज करने के लिए सोशल सर्विसेज प्रोहिबिटेड मतलब बंद भी कर सकती है। चलो, टाइटल्स एंड एपिथेट्स रीड इट बेटा। Are you here? Hello. Read it. Untouchability is abolished and its practice in ये तो हो गया ना any बेटा, form is prohibited. ये लाइन तो हो गई, आपने रीड कर ली। नेक्स्ट पैराग्राफ के टाइटल्स एंड एपिथेट्स। Titles and epithets which create artificial discrimination in the society has been removed. The adjectives used before names like Sir, Diwanji, Raibadur are removed. After independence, the government, in order to felicitate special contribution and achievements of individuals in various fields, give special awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, Paramvir Chakra is awarded in military service. Adjectives like General, Major, Chief Marshal, Field Marshal are added before names in military service, which is not considered
एज अ वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी. द एम ऑफ द राइट इज टू फॉर्म अन इक्वेटेबल सोसाइटी एंड थेरबाय एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. Okay. Titles and epithets which create artificial discriminations in the society have been removed. About titles and epithets मतलब क्या कि first of all the epithets मतलब ये कि example दे रही हूँ कि एक बंदा है मतलब एक human being है जिसने social service में बहुत अच्छे काम किए हैं तो उस वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलता है कि वो इतना अच्छा बंदा है उसने जो जो काम किए हैं तो ऐसे नहीं है कि जिसको अवार्ड दिए गए हैं जिसको टाइटल दिए गए हैं बुक्स ऑफ टाइटल्स दिए गए हैं जिसको एपिथेट दिए गए हैं उन लोगों के लिए सोसाइटी में कुछ अलग रूल्स हैं इसीलिए उनमें और हमारे मतलब उनमें और जनरल लोगों में भेदभाव किया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है. The adjective used before names like Sir Diwanji, Rai Bahadur are removed. मतलब पहले जो ऐसे सारे टाइटल्स दिए जाते थे मतलब जो लोग ऐसे क्रांतिकारी जैसे थे जो लोग अच्छे अच्छे काम करते थे उनके लिए ऐसे नेम यूज किए जाते थे सर दीवान जी राय बहादुर तो ये सारे चीजें हटा दी गई सबको नॉर्मल एज अ सिटीजन डिक्लेयर किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फेलिसिएट स्पेशल कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल इन वेरियस फील्ड्स गिव स्पेशल अवार्ड्स लाइक अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे ही इंडिपेंडेंट आजादी मिली गवर्नमेंट ने एक कंट्रीब्यूशन रखा और जो जो इंडिविजुअल ने आजादी के वक्त जो जो मेहनत की थी जो जो अचीवमेंट रखा था उसको स्पेशल अवार्ड दिए कौन से अवार्ड तो अवार्ड्स लाइक भरत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री परमवीर चक्र इज अवार्डेड इन मिलिट्री मिलिट्री सर्विसेज. अब जो आर्मी वाले थे जो लड़ाई लड़ रहे थे आजादी के लिए उनमें उन लोगों को बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़े बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी इसीलिए ये सारे अवार्ड्स के नाम हैं. प्लीज पॉइंट प्लीज हाईलाइट दिस भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री परमवीर चक्र ये सारे अवार्ड जो हैं वो मिलिट्री के जो लोग होते हैं जो मिलिट्री के मैनेजर्स होते हैं मिलिट्री के आर्मी फोर्स के चीफ होते हैं मेजर होते हैं जनरल मेजर होते हैं उन सबको उनकी उन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड की हमारे देश के लिए जो जो कंट्रीब्यूशन किया जो जो हम लोगों को सर्विस दी उसके सामने उनको ये अवार्ड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए आजादी के बाद. Adjectives like general manager, chief marshal, field marshal are added it before name in military services, which is not considered as a violation of right to equality. अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसे डिक्लेयर किया कि आर्मी के बंदों के लिए जो नाम यूज होते हैं उसमें जनरल मैनेजर जनरल मेजर चीफ फील्ड मार्शल ये सब आगे एडजेक्टिव के हिसाब से मतलब नेम के आगे ये लगाया जाता है. ठीक है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग राइट जो इक्वालिटी है राइट का वो तोड़ रहे हैं ये तो कॉमन है. ठीक है और ये जो राइट ऑफ इक्वालिटी है उसमें ऐसा नहीं लिखा गया कि आप लोगों के नाम के आगे मतलब आर्मी के जो लोग हैं उनके नाम के आगे जनरल मेजर चीफ फील्ड ऐसा कुछ लगा सको मतलब ये सब लगाने से वो लोग कुछ बड़े नहीं बन जाते हैं ये तो एक सिर्फ जस्ट अ फॉर्मेलिटी है जो वो लोग पूरी कर रहे हैं. द एम ऑफ दिस राइट इज टू फॉर्म एन इक्विटेबल सोसाइटी एंड देयर बाय एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. अब इस सोसाइटी इस नेशन का इसका राइट का राइट टू इक्वालिटी का एम क्या है मोटिव क्या है कि पूरे शहर को पूरे देश को सोसाइटी के लोगों को एक राइट टू इक्वालिटी मतलब एक जुट गिनने का किसी को अलग डिस्क्रिमिनेट किसी को अलग नहीं करना है. सो इसीलिए रूल ऑफ लॉ इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया. चलो रीड इट लास्ट पैराग्राफ. Provide specific service to different types of groups or classes. There can be different types of provisions under law. For example, there are different laws for advocates, doctors, teachers, insurance agencies, women, violence, the principle of
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल. ओके प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विस टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ क्लास ग्रुप और क्लासेस देयर कैन बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस अंडर द लॉ ऑफ एग्जांपल. मतलब क्या बोल रहे हैं कि हर एक बंदा जो है हर एक ग्रुप है वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करता है, अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए उनके लिए अलग अलग टाइप के लॉ भी बने गए हैं. तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर एडवोकेट है तो उनके लिए जो लॉज होंगे जो पहले कानून होंगे वो अलग होंगे क्योंकि वो क्या करेंगे, वकील है तो वकीलात की ड्यूटी निभाएंगे, फिर डॉक्टर है तो डॉक्टर पेशेंट्स के लिए होते हैं तो फिर उनके लिए अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज बनाए जाएंगे, टीचर्स के लिए अलग, इंश्योरेंस एजेंट्स की अलग, अलग वुमेन्स के लिए अलग, ज्वेलर्स के लिए अलग. ठीक है, सो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल. अब राइट टू इक्वलिटी में एक हाईलाइट करने वाली चीज है, इन लोगों ने ये एक प्रिंसिपल बनाया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब जो जिसका काम है उसके लिए उसको उतना इक्वल पे किया जाएगा. ठीक है, वर्क के हिसाब से पे किया जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और उसमें हर एक टाइप के अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्लासेस ऑफ पीपल जिसके एग्जाम्पल्स अभी अभी हमने पढ़े. देखो एडवोकेट डॉक्टर टीचर्स और इन सब के काम अलग अलग हैं तो उनको उनके काम के हिसाब से पे किया जाएगा, मतलब सैलरी दी जाएगी. ठीक है, चलो एनी डाउट, एनी डाउट बॉयज इन राइट टू इक्वालिटी. We had completed the first fundamental right. No, no. Okay. We are moving ahead. Right to freedom. Chalo. Read karo. First paragraph. I write. Constitution of India provides the citizens of India six types of freedom, which are as under. First, freedom of speech and expression. Second, to assemble peacefully without arms. Third, to form associations or unions. Fourth, to move freely throughout the territory to India. Fifth, to reside and settle in any part of the territory of India. Sixth, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Okay. Right to freedom. This is the second fundamental right given to every citizens of India. So, हर एक citizens को right दिया गया है. तो अब आजादी के राइट में हमको क्या क्या आजादी दी गई है वो सिक्स पॉइंट में मेंशन किया गया है. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक सिटीजन के लिए, इंडिया के लिए सिक्स टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स प्रोवाइड किए हैं. फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को ये राइट है कि वो बोल सकता है, कहीं भी फ्रीली अपने एक्सप्रेशन और स्पीच दे सकता है. टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब क्या वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हथियार वगैरह ये सारी चीजें ना यूज करके पीसफुली कहीं पे भी आप लोग कुछ भी एक 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 दूसरे को समझा सकते हैं. टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, आप यूनियंस और एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करके आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं. ठीक है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर आप फ्रीली जा सकते हो. टू रिसाइड एंड सेटल, ऐसा नहीं है इंडिया के बाहर आप जा सकते हो लेकिन विद सम लॉज, सब में लॉज और रेगुलेशन कायदे कानून तो है ही, पर ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के बाहर जा ही नहीं सकते. ठीक है, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब आपको गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भाई आपको भावनगर में ही रहना है, भावनगर के बाहर आप कहीं नहीं रह सकते. नहीं, ये हमारे ऊपर है हमको कौन से सिटी में कौन से एरिया में रहना है. सो ये सारी आजादी है जो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए. ये हमारे राइट्स हैं जो हमको राइट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं. टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस,
अब कोई भी डिग्री चाहिए, मतलब कोई भी प्रोफेशन में, कोई भी फील्ड में हमको जाना है, तो उसके लिए हमें हमें खुद डिसीजन लेना है, दैट इज अवर राइट। हम किसी और को नहीं पूछेंगे खुद, तो हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, तो वो हमारा फ्रीडम है, हमारा राइट है, ठीक है। दिस ऑल आर द सिक्स राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। चलो सेकेंड पैराग्राफ रीड इट बेटा। ओके आर यू हियर? यस यस सर। रीड इट। अरे चलो रीड करो सेकंड पैराग्राफ से। रीड मैम, सॉरी जोर से बोला, सुनाई नहीं दे रहा। यू विल रीड, नो इश्यूज। ओके मैम। सेकंड पैराग्राफ। दिस राइट ऑफ यूनियन इम्पोर्टेंस ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया सिटीजन फॉर हार्मोनिज्म वर्किंग ऑफ इट्स डेमोक्रेसी हार्मोनियस वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑल एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल एनी इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सेस दिस फ्रीडम ऑटोनॉमस, इट्स ऑटोनॉमस नॉमस सील। It's autonomous CL or Irresponsible. irresponsible. The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare peace and security of the society. This has been clearly mentioned in the constitution. It has been stated in the constitution how the right and exercise Okay, how the rights exercise are exercised? Chalo, good. These rights are of utmost importance for the overall development of personality and expression of Indian citizens. मतलब जो राइट दिए गए ना फर्स्ट पैराग्राफ में, सिक्स राइट्स, वो उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो राइट दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट राइट हैं किसी भी एक नागरिक के, एक ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फॉर हार्मोनियस वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक आजादी वाली लाइफ जीने के लिए, उनके लिए जो ये सिक्स फ्रीडम दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो एन हेल्दी लाइफ, एन इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सरसाइज दिस फ्रीडम ऑटोनोमसली और रिस्पॉन्सिबली। मतलब कोई भी इंडिविजुअल को, कोई भी सिटीजन को ये जो राइट दिए गए हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, उस राइट को ऐसे इरिस्पॉन्सिबली और ऐसे ही, मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट देने चाहिए, ना कि ऐसे ही उनको ध्यान, ऐसे होता है ना कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं। ऑटोनोमस लगा मतलब ऐसे कि उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। सो उनको इम्पोर्टेंट देनी चाहिए और इरिस्पॉन्सिबली नहीं लेना चाहिए। द स्टेट कैन कंट्रोल एंड लिमिट दिस राइट टू फ्रीडम इफ दे गो अगेंस्ट द वेलफेयर पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। अब
स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि अगर ये फ्रीडम जो है, जो सिक्स फ्रीडम दी गई है फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा, वो हर एक का राइट है, अगर उसके अगेंस्ट कोई गया तो उसके ऐसा उनको ऐसा लगा कि सोसाइटी वाले जो हैं, इंडिया के सोसाइटी के वाले लोग जो हैं वो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, शायद स्टेट गवर्नमेंट ऐसा अनाउंसमेंट कर सकती है कि ये जो राइट्स दिए गए हैं उसमें कुछ कंट्रोल्स और लॉज डाल सकती है. दिस हैज बीन क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ द राइट्स आर एक्सरसाइज. अब ये भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो राइट्स उन्होंने दिए वो कैसे फॉलो करने हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में. चलो थर्ड पैराग्राफ रीड इट. Indian citizens have been given the freedom of speech and expression. This can be expressed either orally, verbal and variable, and through gesture. But that does not provide for एक्सरसाइजिंग accessing these right these right in unlimited and unrest unrestrained ma unrestrained manner. Certain necessary control and limitation have been start in the constitution. The state can put required control through law and order for maintaining the unity and an integrity of India. Safety of the state for amicable relation with foreign nation. Public management and public peace. Compromise and safety, morality, discipline, contempt of court definition and provoking violence for crime. It is the authority of the judiciary whether these many limitations are appropriate or it's inappropriate appropriate or inappropriate. appropriate or inappropriate the purpose behind the freedom of press through with ideas and opinion put forth for public welfare has not been separately mentioned. It can be included in the right to experience. Expression. Okay, chalo, great. Indian citizens have been given the freedom of speech and expression. This can be expressed either orally or verbally and through gestures, but does not provide for exercising their rights in unlimited and unrestrained manner. Indian citizens जो है उनको freedom दी गई है, पहला ही हमने paragraph में पढ़ा freedom of speech and expression, मतलब बोलने की gesture posture उसकी freedom दी गई कि आप कहीं पे भी खड़े रह के आप लोग अपने expression दे सकते हो, स्पीच से बात कर सकते हो. दिस कैन बी एक्सप्रेस आइदर ओरली और वर्बली, बोल के या लिख के भी दे जा सकते हैं आप लोग, एंड थ्रू गेस्टर्स मतलब एक्शंस करके, बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सरसाइजिंग दिस राइट्स इन अनलिमिटेड एंड अनसर्टेन मैनर. ये सारी फ्रीडम दी गई है पर ये फ्रीडम का गलत फायदा नहीं उठाना है, कोई भी अनसर्टेन मैनर मतलब गलत चीज नहीं सिटीजन्स को, इन लोगों ने जो फ्रीडम दिया है, जो राइट दिया है वो हक का, उनको गलत फायदा नहीं उठाना है. सर्टेन नेसेसरी कंट्रोल एंड लिमिटेशन हैव बीन स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी लिमिटेशंस और कंट्रोल्स
पहले से ही फ्रेम की गई है कि भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो वो ये सारे रूल्स और राइट्स जो है उसके अगेन कुछ पनिशमेंट रखेंगी। कुछ लॉज उन्होंने फ्रेम करके रखे हैं, द स्टेट कैन पुट रिक्वायर्ड कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं जो वो इंडिया के लिए यूनिटी और इंटीग्रिटी मतलब एस्टेब्लिश करके रखना चाहती है। मतलब इंडिया में अगर झगड़े होते हैं कुछ हिंदू मुस्लिम के ये वगैरह वो ना हो, एक यूनिटी ही रह जाए, ऐसे कुछ लॉ फ्रेम करके उन्होंने रखे हैं। सेफ्टी ऑफ द स्टेट फॉर एमिकेबल रिलेशन विद फॉरेन नेशंस, पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक पीस, कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी, मॉरलिटी, डिसिप्लिन, कंटेम्प्ट ऑफ कॉर्ट, डिफेमेशन एंड प्रोवोकिंग वायलेंस ऑफ क्राइम। अब ये सारी जो चीजें हैं जैसे कि इंडिया के देश के लोगों की देश में यूनिटी बनी रहे, उनमें अच्छे संबंध बने रहे, उनकी सेफ्टी के लिए फॉरेन के कंट्रीज के साथ जो है वो हमारे रिलेशन अच्छे रहे, पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक की शांति के लिए, फिर मॉरलिटी बनाए रहे, डिसिप्लिन से लोग चले, कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिससे क्राइम हो, वायलेंस क्रिएट हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें बनाने के लिए गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लॉ फ्रेम किए हुए हैं, कुछ लॉ मेंटेन किए हुए हैं जो हर एक को फॉलो करने पड़ेंगे। इट इज द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशियरी वेदर दिस मेनी लिमिटेशंस आर अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट। अब ये जो लिमिटेशंस बनाई गई हैं ये गवर्नमेंट के हाथ में है, उसके हाथ में अथॉरिटी है, जुडिशियर के हाथ में अथॉरिटी कि ये उन्होंने सही अप्रोप्रिएट मतलब सही तरीके से बनाया है कि इनअप्रोप्रिएट मतलब गलत तरीके से बनाया है। वो सिटीजन्स को नहीं देखना है, जो चीजें बनाई गई हैं वो सही है या गलत है वो सिर्फ अथॉरिटी जुडिशियरी के पास है। द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू विच आइडियाज एंड ओपिनियन पुट फोर्थ फॉर द पब्लिक वेलफेयर हैज नॉट बीन सेपरेटली मेंशन, इट कैन बी इंक्लूडेड इन द राइट टू एक्सप्रेशन। आप ये बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस थ्रू विच मतलब क्या कि भाई मेरे को कुछ ऐसे आइडियाज हैं, कुछ ओपिनियंस हैं जो मैं पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ऐसे मेरे पास आइडियाज हैं, ओपिनियंस हैं, तो वह उसके लिए कोई अलग रूल नहीं बनाया जाएगा। मतलब है ना, हमारे सोसाइटी में भी ऐसे बहुत होते हैं जो सोशल वर्कर होते हैं, हर एक कम्युनिटी में होते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जिनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, उनके पास ऐसे कुछ आइडियाज है, कुछ सजेशन है, कुछ ओपिनियन है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको अलग फ्रीडम आजादी नहीं दी जाएगी, वो राइट टू एक्सप्रेशन में ही इंक्लूड हो जाएगा। मतलब वो कभी भी अपने आइडियाज और अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, इसीलिए उसको राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर ही उसको फ्रीडम दे दी जाएगी। ओके चलो बॉयज, एनी डाउट टिल हियर? बॉयज एनी डाउट टिल हियर? ओके नो मैम। एज मैं आपको अपना जो मैं अभी सिलेबस रखने वाली हूँ आपके लिए नोट्स वो दिखा देती हूँ, क्यों, क्योंकि एक बार सिर्फ हाईलाइट दे देती हूँ कि आपको उसमें से पढ़ना कैसे है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सी दिस इज योर कंपेनियन, उसमें से मैंने टिक किए हुए हैं ब्लू पेन से, जो भी मैंने टिक किया हुआ है वो आपको रीड करना है, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर FA3 एग्जाम्स। ओके बॉयज, ओके इसके जो डाउट आंसर्स हैं वो आपको पीछे ही दिए गए हैं, आपके पास सिलेबस भी है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स मैंने टिक आउट किए हैं शॉर्ट आंसर्स में भी आपको वो सारे अच्छी तरह से लर्न करने हैं, बिकॉज इट मे आस्क इन FA3 एग्जाम्स, दिस आर इम्पोर्टेंट फॉर योर FA3 एग्जाम्स। ये जो है ये मैं पूरे जो है PDF अभी रख रही हूँ ग्रुप में, आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फॉर Chapter 9 वी आर कंप्लीटिंग हियर, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम में हमारा दो पैराग्राफ हमने, तीन पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया।